वॉट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर प्रेजेंट सोसाइटी जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी दैट इट इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी नाउ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब होता है दैट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेसिस डिफरेंट कल्चर एंड सेक्शुअल ओरियंटेशन डिफरेंट डिफरेंट ये जो एस्पेक्ट है ये अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं जो कि एक साथ मिलकर आते हैं एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मीन्स अ प्लूरल फॉर्म इट्स नॉट एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है प्लुरल कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको और इसको हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं नेक्स्ट इज दैट इट इज मल्टी कल्चरल हाँ इसके क्या क्या रीजनस है मल्टी कल्चरल होने के मल्टी कल्चरल एज द टर्म सजेस्ट दैट इट इज मल्टीपल कल्चर कमिंग इन टू वन या इसको हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ ओइंग टू द डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट जोग्रफी डिफरेंट हिस्ट्री अलग अलग ये जो टर्म्स है ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट uh, होते हैं हमारी जो इंडियन सोसाइटी है uh, हम जैसे देख सकते हैं uh, हम अगर विथ टर्म्स ऑफ अगर हम किसी सोसाइटी के uh, uh, जो पावर uh, एस्पेक्ट की बात करें तो वी कैन सी दैट फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न साइड किस इस तरीके से अगर हम राजस्थान से देखें और अरुणाचल प्रदेश तक जाए तो हाउ वी सी दैट द पेट्रीलियर कैरेक्टरिस्टिक जो है जो वो डिक्रीज होती है एंड अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू अ मेट्रीलिनियर सोसाइटी बाय द टाइम वी रीच द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री अगेन अगर हम फिजिकल फीचर्स या स्किन के कलर या कंप्लेक्शन की बात करें तो उसमें फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड इफ वी कम डाउन टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तमिलनाडु जो हमारा आ, या केरला हो गया तो हम वहाँ पर काफी आ, जो स्किन का जो कलर है या जो फेशियल फीचर्स है उसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं सो अगेन दिस इज अ मल्टी कल्चरल ये अलग अलग कल्चरल चेंजेस आते हैं जिसके वजह से इंडिया को हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहते हैं नेक्स्ट इज दैट देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑल दो हम काफ़ी ज्यादा डायग्रेस्ट सोसाइटी है काफ़ी ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी है बट जो बेसिक एसेंस है एक इंडिविजुअल एक इंडियन का जो बेसिक एसेंस है वो हमें एक, एक रीजन है जिस वजह से हम एक ये फैक्टर रहता है जो जो बेसिक एसेंस है जो हमें यूनिफाई करता है एज अ कंट्री दैट इज इंडिया अगर हम हमारे नेशनल आंथम को देखें सो वी नो वी ऑल

तो इससे हमें समझ में आता है कि जो इंडिया है दिस इंटायर दिस जो सब कॉन्टिनेंट हम जिसे कहते हैं ये कितने डाइवर्स फिजियोलॉजिकल डिविजन्स को दिखाता है बट स्टिल देर इज यूनिटी इन ऑल दीज डाइवर्सिटीज नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इंडियन सोसाइटी की दैट इज इट इज अ डायनामिक एंड सिंक्रेटिक सोसाइटी डायनामिक एज द नेम सजेस्ट दैट इट इज इन अ कॉन्स्टेंट चेंजिंग स्टेट ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है विथ टाइम का रीजन ये है कि इट इज अक्रेटिक सोसाइटी सिंक्रेटिक सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो कि किसी सिंगल आइडियोलॉजी या सिंगल कॉन्सेप्ट या किसी सिंगल थाट प्रोसेस या ओपिनियन से नहीं बनी है सिंकरेटिक सोसाइटी इज ड्यू टू दमेलगमेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट आइडियोलॉजीज वेरियस डिफरेंट ओपिनियंस सो दैट इज द रीजन वाई Uh, present, जो हमारी Indian society, constantly evolving. इसका एक एग्जाम्पल हम लें, तो uh, you know, uh, एक child, अगर का example, हम लेते हैं कि बच्चे जो है उनके पालने का जो सिस्टम है वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है आई रिमेम्बर वेन वी वर किड्स जब हम स्कूल में थे तो एट दैट टाइम हमारे लिए इट वॉज नॉट अ बिग थिंग दैट अगर आपके पेरेंट्स आपको थप्पड़ लगा दे रहे हैं या मार दे रहे हैं और यू आर गेटिंग मैन हैंडल एंड दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लव इट वॉज सेट दैट इफ यू लव योर चाइल्ड देन यू हैव द राइट टू स्लैप योर चाइल्ड बट नाउ दिस हैज कॉन्सेप्टीटली चेंज अगर हम प्रेजेंट की जो हमारा जेन जेनरेशन अल्फा जो है दैट इज फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेल्व के बाद जो जेनरेशन अभी पल रहा है तो उनमें हमने देखा है दैट Uh, uh, उनको पालने के लिए लाइक इट इज एब्सोल्यूटली फोबिडन टू बीट योर चाइल्ड क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट अब समझ में आता है दट ये जो बच्चे मार खाते हैं उनमें एक लाइफ टाइम ट्रामा रहता है हमारे टाइम पे तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि हमारे घर पे एक मोटी uh, जो एक डंडा होता है या लकड़ी होती है वो रखी रहती थी उसको हम समझावन प्रसाद कहते थे आज तक कभी उसे मार तो पड़ी नहीं थी बट द फ्यर वॉज इनफ क्योंकि हमें पता था कि वो अगर कभी पड़ गया हमारे ऊपर देन दैट विल बी आर एंड बट समथिंग लाइक दिस आज आजकल के बच्चों में वो फियर इंकलकेट कराना भी इट्स कंसिडर्ड दैट इट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग बिकॉज नाउ द कॉन्सेप्ट इज इवॉल्विंग दैट यू डोंट रेज अ चाइल्ड यू नॉर्चर अ चाइल्ड

एक हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को दर्शाता है बट द डिफरेंट ड्रेपिंग पैटर्न एवोल्यूशन दिखा रहा है कि किस तरीके से जो सारी का जो का ड्रेपिंग स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है सो अगेन वी कंसिडर दैट सारी इज द ट्रेडिशनल पार्ट बट अगेन डिफरेंट ड्रेपिंग डिफरेंट डिजाइन ऑफ द दैट सिग्निफाइज दैट इट इज अ मॉडर्न ट्विस्ट Uh, again, if we come to the food eating patterns. So, uh, वेज वॉज कंसिडर्ड टाइप ऑफ वेजिटे बनाया जाता थाज भी लोग खाने लगे हैं इवन द ब्राह्मण द अपर कास्ट पीपल दे हैव ऑल्सो अडोप्टेड टू ईटिंग नॉन वेज अपार्ट फ्रॉम दैट इसको भी अगर हम इस पैटर्न को भी चेंज किया गया बाई मेकिंग हम जो वीक के कुछ पर्टिकुलर डेज हैं उसमें दिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे जैसे ट्यूजेज या सैटरडेज हो गया तो दिस इज शोइंग अ अ अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट अलोंग मॉडर्न ट्विस्ट अलग अलग नए नए तरीके के खाने इवॉल्व हो रहे हैं इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट एड हो रहा है इन द फ्यू जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ वीगनिज्म कहते हैं जिसमें कंप्लीट डेयरी किसी भी टाइप का डेयरी प्रोडक्ट को अबॉलिश uh, किया जा रहा है इन द डाइट so this actually shows the different uh, traditional aspects as well as with a modern twist next if we consider uh, the concept of spiritualism and materialism now spiritualism is something that is uh, your connection with god

एक स्पिरिचुअलिज्म का और एक मटेरियलिज्म का और इस कॉन्सेप्ट को हम विद हेल्प ऑफ पुरुषार्थ समझेंगे एक कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ का जो हम विथार मतलब हम आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में ज्यादा प्रॉपरली समझेंगे नेक्स्ट इज अबाउट फैमिली एंड किनशिप वी नो दैट एज इंडियंस वी नो दैट ईच चाइल्ड इज अ फ्लैग बेर ऑफ हिज और हर फैमिली हम अपने जो एक बच्चा होता है आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से दैट चाइल्ड हैज बिन रेज द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट है चाइल्ड kind of uh, उसको किस तरीके से एक वर्ड है संस्कार मिले हैं दैट इज आपको किस तरीके से टीचिंगस मिले हैं आपको क्या क्या सिखाया गया है द वे यू हैव बीन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू योर फैमिली के जो कस्टम्स है नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से किस तरीके से आपको uh, पाला गया है आपको रेस किया गया है सो so, uh, ये हमारे कै फैमिली और किनशिप जो होता है हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है नॉट जस्ट आर जो हमारी जो क्लोज्ड फैमिली होती है दैट इज़ अ मदर एंड फादर नॉट जस्ट दैट हमारे एक्सटेंडेड फैमिली भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं uh, इसको अगर हम uh, थोड़े डीप कॉन्सेप्ट से समझें तो uh, जैसे हमें पता है दैट वी हैव ईच एंड एवरी टर्म ईच एंड एवरी रिलेशनशिप्स के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर टर्म सच इज मामा हो गया या मामी हो गए चाचा हो गए चाची हो गए सो दीज आर एक्सटेंडेड फैमिलीज बट वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दीज रिलेशनशिप्स सो इट शोज दैट दीज रिलेशनशिप्स मैटर टू अस सराधा देन अगर हम किसी और जैसे इंग्लिश कल्चर में अगर हम देखें तो इन सारे टर्म्स को एक अंकल या आंट के तरह कैटेगराइज कर दिया जाता है बट फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अ अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड काइंड ऑफ ऑफ रिस्पेक्ट और रिलेशन ईच ऑफ दीज जो हमारे किनशिप टर्म्स है एक अलग अलग हम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट या एक अलग काइंड ऑफ बॉन्ड रखते हैं चाचा के साथ एक अलग बॉन्ड होता है मामा के साथ एक अलग बॉन्ड होता है सेम गोज विथ बुआ एंड मासी सो